पैटर्न एक जैसा ही रखने का उसी हिसाब से भाई बोला, क्योंकि कोई क्लाइंट पूछ ले कि ये क्या है, हम करते हैं ना, वो ब्रीजेबल होना चाहिए। अगर वो नॉन ब्रीजेबल है तो आप एक एक घंटे में निकालते हैं, अगर ब्रीजेबल है यानी हमारा डॉक्टर उसमें सांस ले। बड़ों के लिए दिन में दो बार होगी और होटल है तो बहुत ठीक है, मतलब काम बराबर है, ठीक है। हाँ, ये इन्होंने बहुत शॉर्ट में समझा दिया, एक्चुअली इसमें 10-12 पॉइंट है अलग अलग। कि जमाने में वैक्सीन जो डॉक्टर वाटर देते थे उसके अंदर विटामिन सी और डी की गोलियाँ डाल के मिक्स करके दिया करते थे, लेकिन अभी भी दिमाग में वही है। मैं किसी एक आर्टिस्ट एक्टर पूरी चला रहा हूँ, बोला भाई कल की अपॉर्चुनिटी को आ जाए तो मैं दिखाने का, तो वो रहने यार मैं कुछ कर लूँगा, क्योंकि आपको कुछ बड़ा हो गया ना, तो ये सारी चीज़ें रहती है। तो जैसे तुमने बोला, क्या बोला था बाबा, शेडर शेडर यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बेसिक पेंसिल्स के साथ में आपसे प्रोफेशनल आर्टवर्क भी ले लिया ना, 2 रुपये वाली पेंसिल राइटिंग पेंसिल से ही करवाया था ना, मैंने थोड़ी प्रोफेशनल कलर वगैरह देके बोले थे आप अच्छा करो। अगर वही चीज़ वो ड्राइंग में वापस से प्रोफेशनल कलर देके करूँगा तो उसका 10 गुना ज़्यादा अच्छा बना लगेगा। मैंने आपको 0 से ही तैयार किया, हर कोई मेरा जिसको भी मैंने 0 से तैयार किया, सादा पेंसिल से तैयार किया, और उसको ही आज मैंने प्रोफेशनल कलर लेने के बाद वो खुद अपना कमाल दिखा था, क्योंकि पहले बार उसके पास टूल्स नहीं थे और वो अच्छा काम कर रहा था। और प्रॉपर टूल आ गए तो वो क्या करेगा, 10 गुना ज़्यादा अच्छा करेगा, ये बात है।